हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल विजय टेक में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही बड़ी यहाँ पर अपडेट, जैसे कि यहाँ पर बता दूँ राजस्थान पुलिस ऐसा है कि यहाँ पर जो एडमिट कार्ड आ चुके हैं। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा एग्जाम यहाँ पर 13, 14, 15 यहाँ पर है। तो दोस्तों, आपको एग्जाम एडमिट कार्ड यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो आपको SSID पर चले जाना होगा डायरेक्टली। SSID से आप यहाँ पर निकाल पाओगे आराम से। तो दोस्तों, एडमिट कार्ड आ चुका है, जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए। कहाँ पर है एडमिट कार्ड, कहाँ पर एग्जाम सेंटर आया है, वो यहाँ पर देख लीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर SSO आ चुके हैं, यहाँ पर SSO ओपन हो चुकी है। आपको यहाँ पर ID और पासवर्ड यहाँ पर डाल के उसके बाद में आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कैप्चर कोड नंबर का यहाँ पर ऑप्शन दिया जा रहा है। तो आपको क्या करना होगा गाइस, कैप्चर कोड नंबर आपको यहाँ पर फिलअप करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर कैप्चर कोड नंबर यहाँ पर फिलअप कर लेता हूँ। तो गाइस, जैसे कि मैंने यहाँ पर कैप्चर कोड नंबर फिलअप कर लिया, इसके बाद में यहाँ पर मैं लॉगिन का ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो लॉगिन कर लूँगा। इसके बाद में आगे का प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर मेरी SSID पर मैं यहाँ पर लॉगिन हो चुका हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा वेट करता हूँ, साइड यहाँ पर वेरीफाई मांगा जा रहा है, तो वेरीफाई मैं कर दूंगा। यहाँ पर बॉक्स का यहाँ पर आइकन आ रहा है, तो आपको यहाँ पर टिक मार्क लगा देना होगा और उसके बाद में लॉगिन कर देना होगा। लॉगिन करने के बाद में गाइस, आपका आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर SSID पर मैं लॉगिन हो चुका हूँ। यहाँ पर होम पेज आ चुका है, आपको रिक्वायरमेंट पोर्टल यहाँ पर फर्स्ट जो यहाँ पर दिया हुआ है उस पर क्लिक करना होगा। जैसे इस पर क्लिक करते हो आपके सामने ये ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर बताते हैं कि आखिरकार यहाँ पर एडमिट कार्ड कहाँ पर मिलेंगे। तो दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर फॉर्म जो फिल किया हुआ था, यहाँ पर देख सकते हो सब इंस्पेक्टर का यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद में एडमिट कार्ड का यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर ऑप्शन दिया जा रहा है, तो गेट एडमिट कार्ड पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर गेट एडमिट कार्ड पर जैसे क्लिक करते हैं, यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर एक एडमिट कार्ड यहाँ पर शो हो रहा है, वो यहाँ पर देख सकते हो 23 यहाँ पर जो भी है तारीख यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर तारीख देने के बाद में गेट एडमिट कार्ड पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे गेट एडमिट कार्ड पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपका एडमिट कार्ड यहाँ पर सामने नज़र आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो जहाँ पर भी आपका एग्जाम सेंटर है उसके साथ ही में आपका कब यहाँ पर एग्जाम है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। आपका एडमिट कार्ड यहाँ पर आ चुका है। एडमिट कार्ड यहाँ पर आने के बाद में यहाँ पर देख सकते हो कुछ चीज़ की कंडीशन यहाँ पर दी हुई है, राजस्थान लोक सेवा में परीक्षार्थियों के लिए मुख्य अनुदेश। तो यहाँ पर इसकी ट्रीटमेंट कंडीशन जो जो यहाँ पर फॉलो करनी है वो यहाँ पर आपको देख सकते हैं यहाँ पर दी हुई है। यहाँ पर आपको रीड यहाँ पर कर लेनी होगी। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर देख सकते हो फोटो के साथ साथ नीचे एक फ़ोटो का ऑप्शन दिया जा रहा था, एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको एडमिट कार्ड में यहाँ पर लगानी होगी। यहाँ पर नीचे देख सकते हो फोटो का ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो गाइस आपकी एक फ़ोटो लगेगी। इसके साथ में आप आपका पेपर यहाँ पर देख सकते हो, दो पेपर आपका लगेगा जिसमें जनरल हिंदी है फर्स्ट पेपर में, इसके बाद में सेकेंड जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस का यहाँ पर पेपर लगेगा। तो दोस्तों, दोनों पेपर एक साथ ही यहाँ पर लगने वाला है। 13 सितंबर का एग्ज़ाम है और यहाँ पर टाइमिंग 10 से 12 फर्स्ट बारी रहेगी, सेकंड यहाँ पर 3 से 5 यहाँ पर रहेगी। आप यहाँ पर देख पा रहेंगे यहाँ पर हमारा एग्ज़ाम यहाँ पर 13, 14 और 15 का यहाँ पर एग्ज़ाम लगेगा। तो फाइनली दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता था। आई होप आपको एडमिट कार्ड निकालने का पूरा प्रोसेस आपको सब कुछ समझ में आ चुका है। तो दोस्तों, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए। साथ में वीडियो को तो लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलते रहे। तो दोस्तों, अब मिलते हैं नए वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।